हेल्थ एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एके इंडिया। बच्चों आज के वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है, फोर ऑप्शंस गिवन है, हमें एक पिक करेक्ट करने हैं, टिक मार्क करने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन टिक मार्क करने से पहले हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है बच्चों। क्वेश्चन कहता है क्या है, A, B, C and B, D are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. The ratio of the areas of triangle A, B, C and B, D is what? Okay? Question कहता है कि A, B, C and B, D दो equilateral triangle है, okay? और D, B, C की midpoint है। हमें इन दोनों triangle की areas की ratio निकालनी है। Just look here बच्चों, A, B, C एक triangle है, okay? और triangle A, B, C की side B, C पे D midpoint है। ओके okay? और इसी मिड पॉइंट से हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल BDE। यस और नो, हमें प्रूफ करने हैं, हमें ये बताने हैं कि इन दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल ABC के एरियाज के रेशियोज क्या होंगे। यस और नो, तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनके भी सभी साइड्स इक्वल होंगे। सपोज दैट यू नो BD, BD को मैं x सपोज कर लेती हूँ, तो AD कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x। कैसे? क्योंकि DBC की मिड पॉइंट है, ओके? BD BC की हाफ है, AB की भी हाफ हो जाएगी क्योंकि सभी साइड्स आपस में इक्वल है, AB, BC, AC, और BD कितनी हो जाएगी, BC की हाफ, इट मींस AB की भी हाफ हो जाएगी। जब BD x है तो हम AB कर सकते हैं ना 2x, BD x है तो हम AB को डबल ले सकते हैं, BD की डबल, क्योंकि BD AB की हाफ है तो हम AB को BD की डबल लेते हैं, सो 2x सपोज कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो निकालनी है, जस्टिफिकेशन देते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE की साइड हम सपोज कर लेते हैं BX, BX एंड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC B2x, और इसके सभी यू नो इसके सभी साइड्स कितने हो जाएंगे 2x, AC भी 2x, AB भी 2x और BC भी 2x। BD की हाफ हो रही है ना, इसलिए x है, राइट? अब हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज की रेशियो निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की एरियाज की रेशियो। देन टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो कितने होते हैं बच्चों, corresponding sides के ratios के square के बराबर, corresponding sides के ratios के square के बराबर। यहाँ पे ABC में AB और BD में BD, इन दोनों corresponding sides के ratios के square के बराबर, इन दोनों triangles के similar triangles के areas होंगे। Yes or no? So corresponding sides का square है, इन दोनों triangles की ratios के areas क्या है, corresponding sides के areas के corresponding sides के ratios के square के बराबर। AB हमने क्या सपोज किया बच्चों 2x, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर इनपुट करेंगे। BD कितनी है बच्चों, x, स्क्वायर में है स्क्वायर इनपुट करेंगे, नॉट 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा 2x का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया 1, 4 by 1 और हम इसे कह सकते हैं 4:1, इट मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, आंसर में करेंगे ऑप्शन सी करेक्ट।